हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर साइंस सब्जेक्ट पीरियड यूनिट टू आवर सराउंडिंग लेसन नंबर टू क्रीचर्स हैबिटेट एंड फूड। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। पौधे और जानवर भिन्न भिन्न जगहों पर रहते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड सर्टेन बेसिक थिंग्स टू सर्वाइव। सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु रहने के लिए आमतौर पर कुछ आवश्यकताएं उनकी होती हैं, वो निश्चित होती हैं। प्लांट्स नीड वाटर, मिनरल्स, सनलाइट एंड एयर। पौधों के लिए हवा, धूप, पानी आदि आवश्यक होती है। दे ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज। वे अपने शत्रुओं से अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यकता महसूस करते हैं। एनिमल्स नीड फूड एंड वाटर, एयर, वार्मथ, ए प्लेस टू लिव एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज। यानी कि जानवर जो होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है रहने के स्थान के लिए। सुरक्षित यानी कि शत्रुओं से सुरक्षित स्थान रहने के लिए होना चाहिए। इतनी आवश्यकताएं जानवरों के लिए होती हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस, इन प्लेन्स, ऑन माउंटेन्स, इन डेजर्ट, इन टेक्स एंड रिवर्स, इन ओशियन एंड द अदर प्लेसेस। जानवर और पौधे भिन्न भिन्न स्थानों पर रहते हैं, जैसे मैदान, पर्वत, रेगिस्तान, झील, नदी, सागर, अन्य स्थानों पर रहते हैं। वेदर, सॉइल एंड अदर कंडीशन इन द डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न तरीके से उनके रहने के लिए आवश्यकताएं होती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स एडॉप्ट देम सेल्व्स दीज कंडीशंस। पौधे और जानवर अपने आप को स्वयं इसके अनुरूप वो बनाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट कंडीशंस आर ऑफन डिफरेंट फ्रॉम वन एनोदर। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशंस एंड आर कॉल्ड देयर हैबिटेट। यानी कि जानवर और पौधे भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न तरीके से रहते हैं, वो अपने आप को उसके अनुकूल बनाते हैं। इसके लिए हैबिटेट कहा जाता है, यानी कि उनका वास कैसा होना चाहिए, आवास कैसा होना चाहिए, किस तरीके से वो अपने आप को चेंज करते हैं रहने के लिए। डिपेंडिंग ऑन देयर सराउंडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एनिमल्स विच ग्रो ऑन लिव ऑन लैंड। नंबर टू, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स विच ग्रो और लिव इन वाटर। यानी कि दो प्रकार से इन्होंने इसको डिवाइड किया है, मैदानों में उगने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु और जलीय पौधे और जीव जंतु। प्लांट्स है ऑन लैंड यानी कि भूमि पर रहने वाले। भूमि पर रहने वाले और अदर हिली एरिया पर रहने वाले, ऊटी एंड कश्मीर ट्रीज आर जनरली टेल एंड स्टैक। यानी कि इन स्थानों पर रहने वाले
उगने वाले पेड़ पौधे बहुत लंबे और नुकीले होते हैं। मैनी देम आर नीडल लाइक लीव्स आर वेरी थू एंड कैन सर्वाइव इट कोल्ड। ये जानवर दिखाए गए याक और बियर, ये हिली एरिया के जानवर हैं। इधर एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग तरीके के वो होते हैं। नंबर फर्स्ट प्लांट इन कोस्टल एरिया, यानी कि समुद्र किनारे उगने वाले पौधे कौन कौन से होते हैं, कोकोनट, पीपर, रबर। ग्रो हियर एज द वाटर एंड क्लाइमेट एंड सूट देम, दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। नंबर ये है प्लांट एंड हिली एरियाज, हिली रीजन यानी कि पहाड़ी क्षेत्र पर रहने वाले उगने वाले पाइन ट्री और फिर ट्री, देख रहे होंगे आप नुकीले कांटेदार होते हैं ये। इधर है प्लांट्स इन प्लेन्स यानी कि मैदानों में उगने वाले, दे आर कॉल्ड डिसाइडियस ट्रीज, बनियान, पीपल, मैंगो यानी कि बरगद, पीपल और आम, ये मैदानों में उगते हैं। प्लांट्स एंड मार्शी एरिया, मार्शी कहते हैं जहाँ धसाऊ एरिया होती है, नीचे जमीन बैठने वाली होती है, उस एरिया को कहते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ हैं, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, कि ये बेट मार्शी प्लेस, वह स्थान ऐसा है कि जहाँ के नीचे जमीन बैठ सकती है। मैंग्रोव्स और राइजोफोरा प्लांट्स ग्रो हियर, ऐसे स्थानों पर दो नाम लिए गए हैं, ये उस स्थान पर होते हैं। आगे है प्लांट्स इन डेजर्ट, रेगिस्तान में उगने वाले। डेजर्ट आर वेरी एंड ड्राई प्लेस एरिया, वहाँ पर नुकीली होती हैं उनकी पत्तियाँ, वहाँ पानी नहीं होता। कैक्टस, कैक्टस है जो कि अधिकतर होता है वहाँ पर, और कैक्टस और प्रिकली ये रेगिस्तान में होता है। कार्बोनोरस आर इंसेक्टिवर्स प्लांट्स, कार्बोनोरस कहते हैं मांसाहारी, मांसाहारी का कार्बोनोरस प्लांट्स ग्रो इन द प्लेस विच पुअर सॉइल एंड डज नॉट ऑफर मैनी न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, वहाँ ऐसे पेड़ पौधे उगते हैं, उनको कहा जाता है पिचर प्लांट, वीनस प्लांट एंड कोबरा लिली, ये मांसाहारी पौधे होते हैं। और वाटर में फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स प्लांट्स, अंडर वाटर प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स ये लिखा हुआ है बटर हाइकेंट लोटस, ये वाटर प्लांट्स हैं। फिक्स प्लांट्स यानी कि जो फिक्स प्लांट्स होते हैं वो जड़ें जमीन में जमी होती हैं उनकी, दे फिक्स देम टू द बेड टू द पॉन्ड। नेक्स्ट है अंडर वाटर प्लांट्स यानी कि पानी के अंदर रहने वाले, ये दिखाया जा रहा है टैप ग्रास, ये पानी के अंदर मिलती है। जस्ट लाइक प्लांट एनिमल आल्सो नीड स्पेशल फीचर्स एडेप्टेशंस, ये कई प्रकार के होते हैं। लैंड एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स यानी कि वृक्ष संबंधी, वाटर एनिमल्स, एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, एरियल
एनिमल्स यानी हवाई, एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, लैंड एंड टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, ये कौन सा होता है, ये लिखा हुआ है, यानी कि लंबी गर्दन वाला, डेजर्ट फॉरेस्ट कोस्टल एंड माउंटेन्स रीजन्स आर ऑल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, ये जंगली जानवर, लॉयंस, स्नेक, पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, यानी कि ये जानवर जो पक्षी दिखाए जा रहे हैं ये पानी के अंदर ही रहता है और पानी के अंदर मछलियां आदि का ये शिकार करता है। बहुत बड़ा पार्ट है ये। मंकी, एर्बोरियल्स एनिमल्स, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, दीज एनिमल्स हैव लॉन्ग लिम्बस दैट अलाउज देम टू स्विंग एंड ब्रांचेस टू ब्रांचेस, कमर्शियंस हैव लॉन्ग टेल एंड बैलेंस द बॉडी, एनिमल्स हैव फिक्सेबल एंकल जॉइंट्स टू अलाउ फुट एंड फुट टू पॉइंट बैक बट्स सो दैट द क्लॉज कैन हुक इनटू ट्री बार्क, यानी कि इनकी चोंच बहुत लंबी होती है। वाटर एंड एक्वाटिक एनिमल्स, ये जलीय पौधे, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में बताया जा रहा है। ये जीव जंतु जलीय हैं, फ्रॉग लैंड एंड वाटर दोनों जगह रहता है, वो जमीन पर भी और पानी में भी, सेलेमेंडर एंड लैंड एंड इन वाटर, यानी कि पानी और उसमें दोनों जगह रह लेते हैं। एरियल एनिमल्स, हवाई, हवा में उड़ने वाले, एग्जाम्पल्स के तौर पर हाउएवर सम बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच कीवी एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई, दे आर नोन एज द फाइटनेस बर्ड, बर्ड्स हैव स्पेशल एडेप्टेशन फॉर एरियल लाइफ आर, क्या क्या होता है उनमें, फॉर एलिमेंट्स चेंज इनटू विंग्स, हैव लॉन्ग टेल, बॉडी शेप इन स्ट्रिम्बल्स बोट शेप्ड, बोन्स आर होलो एंड लेस बॉडी वेट, बर्ड्स हैव बीक, ये दिखाए जा रहे हैं फोटो इनके, पीजन, क्रो, वल्चर, क्रेन, ये हैं आपके एरियल एनिमल्स यानी कि मैदानी। एडेप्टेशन हार्ड्स वेदर कंडीशंस, कठोर जगह रहने वाले, फ्लाइंग मैग्रेटरी बर्ड्स, जो बहुत कठोर एरिया है वहाँ का है ये पार्ट, आपका बहुत बड़ा पार्ट है एनिमल्स प्लांट्स के बारे में। ट्राई टू अगेन रीड दिस लेसन नंबर 2। थैंक्स।